हेलो अरुण, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 के चैप्टर 9 को, द ग्रेट टोन पेज, यानी कि बहुत बड़ा क्या था जो पत्थर का चेहरा। तो शुरुआत करते हैं। वन आफ्टरनून एंड द सन वाज गोइंग डाउन, एक दोपहर को क्या था जब सूर्य ढल रहा था, ए मदर एंड हर लिटिल बॉय सैट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज। टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस, जो एक जो माँ थी और उसका छोटा सा जो लड़का था वो बैठे हुए थे जो अपने झोपड़ी के दरवाजे पर, और वो जो बात कर रहे थे आपस में, बहुत ही बड़े जो क्या था स्टोन फेस था, जो पत्थर का जो चेहरा था उसके बारे में जो बात कर रहे थे। दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज एंड देयर इट वॉज, उनको जो अपनी आंखें जो बस वो उठानी थी और वो सामने था उनके, प्लेन टू बी सीन, वो देखा जा सकता था। तो 2 माइल्स अवे, यानी कि बहुत दूर था वो, कई माइल अवे, विद द सन शाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर, वो क्या कर रही थी उस पर, क्या कर रही थी, सूरज की रोशनी लग रही थी। व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, क्या था वो स्टोन पत्थर का जो चेहरा था वो क्या था, वो बहुत बड़ा। द ग्रेट स्टोन फेस वाज ए वर्क ऑफ नेचर, या क्या था, जो प्रकृति का काम था, ये फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए माउंटेन बाय सम इमेंस रॉक, यानी कि बहुत बड़ी जो क्या थी चट्टान थी उन्होंने ही ये वहां पर जो बनाया था, ये विच हैड बीन सम थ्रोन टूगेदर सो दैट, वो क्या था आपस में एक दूसरे से टकराई होगी, वेन व्यूड एट ए प्रॉपर डिस्टेंस, जो एक दूसरे से एक दूर से देखने पर दे रिजेम्बल द फीचर ऑफ ए ह्यूमन फेस, वो क्या लगते थे जो मानव के जो फेस है, चेहरा है, उसकी आकृति की तरह लगते थे वो। इफ द स्पेक्टेटर अप्रोच टू नियर ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द इनॉर्मस फेस एंड कुड सी ओनली ए हीप ऑफ जाइगेंटिक रॉक्स, अगर कोई जो है देखने वाला, स्पेक्टेटर क्या होता है, देखने वाला, इमेंस क्या होता है, बहुत बड़ा, अगर कोई स्पेक्टेटर देखने वाला अगर उसके पास जाके उसे देखेगा तो बस वो ये बहुत ही बड़ा जो फेस नहीं दिखता है बल्कि क्या दिखता है, बहुत ही बड़ी चट्टान दिखती है, पाइल्ड वन अपॉन अनदर, जो है एक दूसरे के ऊपर है। बट सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट द ग्रेट स्टोन फेस सीम पॉजिटिवली टू बी अलाइव, तो अगर मतलब के दूर से देखने पर वो क्या लगता है कि जिंदा लगता है, वो अलाइव लगता है। इट वॉज द बिलीफ ऑफ मैनी पीपल दैट द वैली ओड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी टू बीनिंग फेस दैट वॉज कंटिन्यूली बीमिंग ओवर इट, ऐसा बिलीफ था, यानी कि मान्यता थी ऐसी, बहुत लोग ऐसा मानते थे कि जो घाटी है वो इतनी जो है हरी भरी है, जो है वो उस जो फेस है उसी के कारण है, क्योंकि वो क्या करता है, चमकता रहता है। और द बीनिंग होता है काइंड, यानी कि जो दयालु है, दयालु फेस। ए मदर एंड हर लिटिल बॉय एज वी सेड अर्लियर, जैसा कि हमने बताया कि एक जो माँ है और उसका छोटा भाई सेट एट द डोर ऑफ देयर कोट, जो अपने जो झोपड़ी है उसके दरवाजे पर बैठे हुए थे, गेजिंग एट द ग्रेट टोन फेस एंड टॉकिंग अबाउट इट, वो देख रहे थे उस जो बड़े पत्थर के जो चेहरे की तरफ और बात कर रहे थे उसके बारे में। द चाइल्ड नेम वॉज अर्नेस्ट, जो बच्चा है उसका नाम क्या था, अर्नेस्ट। मदर सेड ही वाइल द ग्रेट फेस स्माइल्ड ऑन हिम, मदर उसने बोला कि जैसे जबकि वो था जो बड़ा जो चेहरा था उसकी तरफ मुस्कुराया, आई विश दैट इट कुड स्पीक फॉर इट लुक सो वेरी काइंडली दैट इट्स वॉइस मस्ट काइंडली बी प्लीजेंट, उस बच्चे ने बताया कि मैं आशा करता हूँ, आई विश, ऐसी कामना करता हूँ कि ये जो चेहरा है ये बात कर सकता है, क्योंकि यह बहुत ही दयालु लगता है मुझे ये चेहरा, और इसकी जो आवाज़ है वो बहुत ही क्या होगी, प्लेजेंट, यानी कि मनमोहक होगी। इफ आई एवर सी ए मैन विद सच ए फेस आई शुड लव हिम वेरी मच, अगर मैं किसी ऐसे आदमी को देखूंगा जिसका ऐसा चेहरा होगा तो उसे मैं बहुत प्यार करूंगा। इफ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास आंसर्ड इज मदर, वी मे सी ए मैन सम टाइम विद एग्जैक्टली सच ए फेस एज दैट, बोलता है प्रोफेसी क्या होती है, भविष्यवाणी, बोलता है कि अगर मतलब का जो पुरानी जो भविष्यवाणी है वो सही सच निकली तो हम जल्दी ही क्या देखेंगे, एक ऐसा आदमी देखेंगे जिसका
जिसका जो चेहरा हो बिल्कुल उस पत्थर के जैसा हो। व्हाट प्रोफेसी, बोला कौन सी भविष्यवाणी। डू यू मीन डियर मदर, बोला किसके बारे में तुम बात कर रही हो माँ। ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, जो अर्नेस्ट ने इंक्वायरी की अपनी माँ से, पूछा प्लीज टेल मी अबाउट, कृपया करके बताओ मुझे उसके बारे में। सो हिज मदर टोल्ड हिम ए स्टोरी दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर, जो तो उसने जो माँ ने उसको जो कहानी सुनाई, जो उसकी माँ ने उसको सुनाई थी जब वह बच्ची थी। When she herself was younger than little her Ernest, जो अर्नेस्ट से भी छोटी थी, तब उसको एक कहानी सुनाई थी उसकी माँ ने। That in some future day a child should be born, बोलता है अगले भविष्य में क्या होगा, भविष्य में जो जो एक जो लड़का है जन्म लेगा, और जो यहाँ के पास ही was destined to become the greatest and noble best person of his time and whose face in manhood should bear the exact resemblance of the great stone face। तो उसने बोला कि जो आगे भविष्य में जो एक बच्चा जन्म लेगा और जो बहुत ही बढ़िया काम करेगा, महान काम करेगा, और जो इसका चेहरा है वो उसी बड़े जो पत्थर है उसके साथ क्या करेगा, मैच करेगा। मैंने स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी, यानी कि बहुत लोग क्या करते हैं अब भी इस जो भविष्यवाणी पर विश्वास रखते हैं। बट अदर टू केज इट टू बी नथिंग बट आइडल टाइम, परंतु दूसरों ने क्या ले लिया, ऐसे व्यर्थ में बात कर रहे हैं ऐसे ले लिया है। At all events, the great man of the prophecy had not yet appeared. क्या हो आगे, अभी तक ऐसा कोई आदमी आया नहीं है जिसका ये क्या हो prophecy, यानी कि भविष्यवाणी के हिसाब से। Oh mother, cried Ernest. Ernest बोला कि ओ माँ, clapping his hands above his head, I do hope that I shall live to see him. उसने जो अपने हाथ अपने सिर के ऊपर उसने क्लैप किए, ताड़ी बजाए, और बोला कि भाई मैं आशा करता हूँ कि मैं ऐसे आदमी को देखूंगा। हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेट एंड थॉटफुल वुमन, जो उसकी जो माँ थी वो बहुत ही प्यार करती थी और विचार करती थी। इट वॉज प्रॉपर सी थॉट नॉट टू डिस्करेज द पेनफुल फैंसीफुल होप फॉर लिटिल बॉय, सो शी सेड टू हिम परहैप्स यू। उसने सोचा कि भाई उस जो छोटे बच्चा है उसकी जो आशाएं हैं उसको ना तोड़ी जाए, और उसने बोला कि भाई तुम भी हो सकते हो ऐसा चेहरा। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगेट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम, और अर्नेस्ट ने वो कहानी कभी नहीं भूली जो उसकी माँ ने उसको बताई थी। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड व्हाट वेन एवर ही लुक्ड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, जब भी वो स्टोन फेस की तरफ देखता तो वह हमेशा उसके जो दिमाग में वही कहानी रहती। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन हिज लॉग कॉटेज वेयर ही वॉज बोर्न, वॉज ड्यूटीफुल टू हिज मदर एंड हेल्पिंग टू हर इन मैनी थिंग, असिस्टिंग हर वेरी मच विद हिज लिटल हैंड्स एंड मोर विद हिज लविंग हार्ट। जो क्या करता था वो, जो अपना बचपन था उसने वहीं उस कॉटेज में यानी के झोपड़े में उसने बताया जहाँ पर उसका जन्म हुआ था, जो अपने जो माँ की वो बहुत ही हेल्प करता था, सहायता करता था अपने छोटे छोटे हाथों से, और जो उसका जो दिल था वो बहुत ही प्यारा था। इन दिस मैनर फ्रॉम ए हैप्पी येट ऑफन पेंसिव चाइल्ड ही ग्रो अप टू बी ए माइल्ड एंड क्वाइट यूथ। वह क्या हो गया था कि यानी कि बहुत ही जो सोच विचार करने वाला जो जवान लड़का में वो बड़ा हो गया था, बदल गया था। अर्नेस्ट हैड नो टीचर बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकेम वन ऑफ हिम, उसके पास कोई टीचर नहीं था, अध्यापक नहीं था, बल्कि के वही था जो चेहरा था ग्रेट स्टोन फेस वही उसका टीचर था। वेन द वर्क ऑफ द डे वॉज ओवर ही वुड गेज एट इट फॉर आवर्स अंटिल ही बिगेन टू इमेजिन दैट दोज वास्ट फीचर्स रिकॉग्नाइज हिम एंड गेव हिम ए स्माइल ऑफ काइंडनेस एंड इनकरेजमेंट। वो क्या करता है, जब भी उसका दिन का जो काम है वो ख़त्म हो जाता था, वो उस चेहरे की तरफ ही घंटों तक देखता रहता था, और क्योंकि जो फीचर हैं उसके जो गुण हैं उसको दिखाई देते थे वो काइंडनेस, और वो क्या करता था उसको इनकरेज करता था, उसका हौसला बढ़ाते था। आफ्टर दिस टाइम देर वेंट ए
rumor throughout this valley that the great man who was to bear the resemblance of the great stone face had appeared at last. फिर क्या हो गई कि रूमर हो गई कि ये झूठी अफवाह, रूमर क्या होते हैं अफवाह, थ्रू आउट द वैली, पूरी घाटी में, कि जो ऐसा जो महान आदमी जिसका जो चेहरा है उसे ग्रेट बड़े जो पत्थर के चेहरे से रिजेंबल करता है, अपीयर करता है, तो ऐसा लास्ट में वो क्या हो गया, अपीयर हो गया ऐसा आदमी, क्या हो गया, मिल गया उन्हें। इट सीम दैट मैनी ईयर बिफोर ए यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली एंड सेटल एट ए डिस्टेंट सी पोर्ट। ऐसा जो माना जाता है कि जो एक जो जवान जो लड़का है उसने यहाँ पर जन्म लिया था घाटी में, पर वो एक दूर एक जो समुंदर की बंदरगाह है वहाँ पर सेटल हो गया था वो। गैदर गोल्ड विच वॉज हिज नेम, उसका नाम था गैदर गोल्ड, हैड सेट अप एज ए शॉपकीपर एंड बीइंग शार्प इन बिजनेस मैटर हैड बिकम सो वेरी रिच दैट इट वुड हैव टेकन हिम ए 100 ईयर ओनली टू काउंट हिज वेल्थ। बहुत ही इतना मतलब कि अमीर हो गया है कि उसको 100 साल लगेंगे जो अपनी पूरी जो धन संपत्ति है उसको गिनने में। इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली, लास्ट में उसने क्या सोचा कि अपने जो घाटी के बारे में सोचा, एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर, और वहीं पर वापस जाने की सोची, एंड एंड हिज डेज वेर ही हैड बीन बोर्न, और वहीं पर उसने जो अपना अंत लास्ट के दिन बिताने की सोची जहाँ पर उसका जन्म हुआ था। अर्नेस्ट हैड बीन डीपली स्टर्ड बाय द आइडिया दैट द ग्रेट मैन, द नोबल वन, द मैन ऑफ प्रोफेसी, आफ्टर सो मैनी एजेज ऑफ डिले वॉज एट लेंथ टू बी सीन इन हिज नेटिव। तो बहुत ही जो मूड था भाई उसका, जो दिल अर्नेस्ट था वो तो चाहता था ऐसे मैं आदमी को देखना कि भाई ऐसा कोई महान आदमी, एक नोबल आदमी, जो भविष्यवाणी का जो आदमी है इतने जो टाइम के बाद वहाँ पर जो आया है। व्हेन द बॉय वाज सिटिंग गेजिंग अप द वैली वन डे द एंड इमेजिंग द ग्रेट स्टोन फेस रिटर्निंग हिज गेज द नॉइस ऑफ द व्हील वॉज हर्ड एंड ए क्राउड ऑफ पीपल क्राइड हियर कम द ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड। तो क्या हो गया था, एक दिन क्या हो गया था, वो घाटी की तरफ वो देख रहा था बच्चा, तभी उसने बहुत ही गाड़ियों की आवाज़ सुनी, शोर सुना उसने, और जो भीड़ थी लोगों की वो चिल्ला रही थी कि भाई यहाँ आया, ये आ गया है मिस्टर गैदर गोल्ड। एक कैरेज, एक गाड़ी आ गई थी ड्रोन बाई 4 horses, जो क्या थे, 4 जो घोड़े हैं उसको खींच रहे थे। डैश्ड राउंड द टर्न ऑफ द रोड विद इन इट थ्रस्ट पार्टली आउट ऑफ द विंडो अपीयर्ड द फेस ऑफ एन ओल्ड मैन विद येलो स्किन। क्या है, वो बाहर निकला और जो उसकी स्किन थी उसको पीली स्किन थी, द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस्ड, वैसी सेम इमेज थी उसकी, उस बड़े चेहरे की तरह। शाउटेड द पीपल, जो लोग हैं उन्होंने शाउट किया, चिल्लाया, श्योर इनफ, बिल्कुल ठीक था, द प्रोफेसी इज ट्रू, जो भविष्यवाणी है वो क्या है, सच हो गई है, हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, आखिर मकार हमारे पास क्या वो आदमी है, वो आ गया है। एंड व्हाट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव दैट हेयर वॉज द लाइकनेस विच दे स्पोक। ये सभी चीज़ें क्या करते थे, अर्नेस्ट को पजल करती थी, उसको कन्फ्यूज करती थी, क्योंकि जो चेहरा वो तो उसकी बिल्कुल लगता था उसके ही बराबर। ही टर्नड अवे सैडली फ्रॉम द विंकल्ड स्ट्रूडिनेस ऑफ दैट अनप्लीजेंट फेस एंड गेज्ड अप द वैली। उसने पहले तो उस चेहरे की तरफ देखा और फिर उस फेस की तरफ देखा जो घाटी में फेस था, फिर द स्टोन फेस्ड सीम टू से ही विल कम, फियर नॉट अर्नेस्ट द मैन विल कम। और जो वो चेहरा था वो उससे वही बात बोलता था कि अर्नेस्ट डरो मत, वो आदमी वो आएगा। द ईयर वेंट सोन, यानी कि साल बदल गए, एंड अर्नेस्ट ग्रेव टू बी ए यंग मैन, जो है अर्नेस्ट वो बड़ा हो गया। ही अट्रैक्टेड लिटल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट ऑफ द वैली। इनहेबिटेंट क्या होता है, जो लोग वहाँ पर रहते थे वैली में, वो क्या करते थे, उसके तरफ कम ही ध्यान देते थे।
देस आर नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ एक्सेप्ट दैट व्हेन द लेबर ऑफ द डे वाज ओवर ही स्टिल लव्ड टू गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस। और उसकी लाइफ में और कुछ नहीं था, बट वो क्या होता, जब भी उसका जो काम था वो ख़त्म हो जाता था दिन का, तो फिर वो ही उस चेहरे की तरफ वो देखता था। देर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज ए फोली बट पार्डनेबल बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस काइंड एंड नेबरली। या वो पागल समझते थे उसको, फोली था बट परंतु उस पर उसको पार्डनेबल यानी कि उसको माफ़ कर देते थे, क्योंकि जो अर्नेस्ट था वो बहुत ही दयालु था और मेहनती था बहुत। They did not know that the great stone face had become a teacher to him. वो ये नहीं जानते थे कि वो जो फेस है, वो बड़ा चेहरा, वो उसका जो एक अध्यापक बन गया उसका। And that the sentiment which was expressed in it would enlarge the man, young man heart. तो ये नहीं जानते थे कि वो जो है उसका जो जवान जो आदमी है उसका जो क्या दिल को बड़ा बना रहा है वो चेहरा, वो उसको लाइफ में कुछ चीज़ें सिखा रहा है। एंड फिल इट विद डीप सिंपथीज देन अदर हार्ट। वो क्या कर रहे थे, उसको जो फीलिंग है, दुख है, उस तरह की जो फीलिंग है उसके अंदर वो भर रहा वो चेहरा। दे डिड नॉट नो अबाउट दिस, फ्रॉम दिस वुड कम ए बेटर विजडम देन कुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स। वे नहीं जानते थे कि वे जो इस चेहरे से ही इतना कुछ सीखा जा सकता था, और जो कि किताबों से भी ज़्यादा। नाइदर डिड अर्नेस्ट नो द थॉट्स व्हेन केम टू हिम सो नेचुरली। अर्नेस्ट भी नहीं जानता था कि भाई ऐसे विचार उसको क्यों आते हैं। इन द फील्ड्स एंड द फायर साइड were of a higher tone than those which all the men shared with him. क्या था, अर्नेस्ट खुद नहीं जानता था कि इस तरह के जो विचार हैं उसके मन में कैसे आते हैं प्राकृतिक नेचुरली, और आदमियों से भी ज़्यादा उसको वो उस चेहरे से ही वो सीखता था। ए सिंपल सोल, उसकी जो आत्मा थी वो सिंपल थी। सिंपल एज वेन इज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी, वो इतनी सिंपल थी कि जब उसकी जो माँ है उसने वो पहली बार उसको कहानी सुनाई थी। ही बिहेल्ड द मार्वलस फेस लुकिंग डाउन द वैली एंड स्टिल वंडर्ड व्हाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस वाज सो लॉन्ग इन कमिंग। जो उसकी माँ ने उसको जो पहली बार ही उसको स्टोरी सुनाई थी, तब से ही लेकर अब तक वो यही सोच रहा है कि क्यों नहीं अब मतलब कि ऐसा कोई आदमी आया है। बाय दिस टाइम पुअर गैदर गोल्ड वॉज डेड एंड ब्यूरिड। इस टाइम तक जो मिस्टर जो गैदर गोल्ड था उसकी मृत्यु हो चुकी थी और उसको वहीं पर ही दफनाया जा चुका था। हिज वेल्थ, उसकी जो संपत्ति थी, विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एक्सटेंशन, जो उसकी संपत्ति थी वो की आत्मा थी, हैड डिसअपीयर्ड बिफोर हिज डेथ। जो उसकी जो मौत के बाद वो क्या हो गई थी, उसकी संपत्ति डिसअपीयर्ड यानी कि गायब हो गई थी। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड इट हैड बीन जनरली अग्रीड दैट देर वॉज नो ग्रेट लाइकनेस आफ्टर ऑल बिटवीन द रुइंड मर्चेंट एंड द मजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन। अंत में क्या हो गया था कि सबने जो मान लिया था कि जो उनके बीच में क्या हो गया था, जो उस मर्चेंट था वो बेचने वाला था उसके बीच में और जो फेस उसके बीच में कोई भी लाइकनेस नहीं थी यानी कि समानता नहीं थी। इट सो हैपेंड दैट अनदर सन ऑफ द वैली हैड बिकम ए सोल्डर मैनी ईयर बिफोर। आफ्टर ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग ही नाउ बिकम ए फेमस कमांडर। फिर क्या हो गया कि जो दूसरा जो बेटा था घाटी का, वो क्या हो गया था, सोल्जर बन गया था बहुत साल पहले, और बहुत ही लड़ाई करने के बाद वो क्या बन गया था, एक फेमस कमांडर बन गया था। ही वॉज नोन एट द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ बोल्ड ब्लड एंड थंडर। उसको क्या
लड़ाई के मैदान में उसको ब्लड और थंडर के नाम से जाना जाता था। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, अब क्या हो गया था, वो बूढ़ा हो गया था और वो बहुत ही थक चुका था। ही हैड लेटली एक्सपर्ड डिजायर टू रिटर्न टू नेटिव वैली। अब भी उसकी जो इच्छा थी कि भाई वो वही अपनी जो घाटी है वहाँ पे वापस आए। द इनहेबिटेंट हिज ओल्ड नेबर एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन प्रिपेयर टू वेलकम द रिनाउंड कमांडर। जो सभी जो इनहेबिटेंट थे घाटी के लोग थे और जो बूढ़े जो नेबर थे पड़ोसी थे, उन्होंने फिर वही उसका वेलकम करने के लिए तैयार हुए थे। इट वॉज बींग सेंड दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपीयर्ड। फिर वही बोलते थे कि भाई जो उसी का जो फेस है चेहरा उसकी तरह है, दिखता है ग्रेट। देयरफॉर वाज द एक्सीलेंट थॉट, भाई महान है वो तो। एंड मैनी पीपल हु हैड नेवर वंस थॉट ऑफ ग्लांसिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस नाउ स्पेंड सो मच टाइम इन गेजिंग एट इट फॉर द सेक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली हाउ जनरल बोल्ड एंड थंडर लुक। फिर क्या हो गया कि बहुत सारे जो गांव के जो घाटी के लोग थे फिर उसी फेस की तरफ देखने लग गए थे, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि जो ये जनरल है भाई ये कैसा लगता है ब्लड एंड थंडर। ऑन द डे ऑफ द जनरल अराइवल अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क। जिस दिन वो जनरल आना था तो सभी के सभी जो घाटी के लोग थे उन्होंने अपना काम छोड़ा एंड प्रोसीडेड टू द स्पॉट वेयर द ए ग्रेट बैंक्वेट हैड बीन प्रिपेयर्ड, और वहाँ पर चले गए जहाँ पर ये क्या हो गया था कि जो है फीस्ट है भोजन है उसके लिए बनाया गया था। सोल्जर स्टूड ऑन गार्ड, जो है सैनिक थे ड्यूटी पर लगे हुए थे। फ्लैग वेव्ड और क्या हो गया था, झंडे वो हवा में फहरा रहे थे। एंड द क्राउड रोर्ड, और जो दर्शक है वो शोर कर रहे थे। अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार अवे टू सी ब्लड एंड थंडर फेस। जो अर्नेस्ट वो दूर खड़ा था जो उसका जो फेस देखने के लिए। हाउएवर ही कुड हियर सेवरल वॉइस। अंत में क्या होता है, बहुत सारी आवाजें हैं वो सुन सकता था। इट्स द सेम फेस, या तो वही फेस है एग्जैक्टली, क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जो जो खुशी से जो है उसने नाचा एक आदमी। वंडरफुली लाइक इट्स दैट्स ए फैक्ट, रिप्लाइड अनदर। दूसरे ने बोला कि भाई ये तो सच्चाई है। एंड व्हाई नॉट, और क्यों नहीं, क्राइड ए थर्ड। और तीसरा बोला ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड ए डाउट। यह है कि यह तो कोई संदेह में बात ही नहीं है कि ये तो भाई वही आदमी है। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल फेस। लास्ट में जो अर्नेस्ट ने भी वो चेहरा वो देखा। एंड इन द सेम ग्लांस और सेम एंड इन द टू द साइड ही कुड आल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस। वो क्या देख सकता था दोनों के चेहरे। इफ देर वॉज सच ए लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट। जो अर्नेस्ट है उसको कोई भी समानता नहीं लगी जैसा कि लोग बोल रहे थे। फियर नॉट अर्नेस्ट सेड हिज हार्ट, बोलता कि डरो मत अर्नेस्ट, उसके जो दिल ने कहा। एज इफ द ग्रेट स्टोन फेस वॉज विस्परिंग टू हिम, जैसा कि जो बड़ा जो फेस है वो ही उसको कानों में उसको बोल रहा था। फियर नॉट यानी कि डरो मत अर्नेस्ट, ही विल कम, वह आएगा। तो इस प्रकार से ये इसका फर्स्ट पार्ट इसका ख़त्म हो गया है। आशा करता हूँ आपको बढ़िया लगी होगी एक्सप्लेनेशन। थैंक यू वेरी मच।